तक जाके कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जब हम डिस्प्ले इसमें लगा लेते हैं तो यहाँ से PWM का सिग्नल यहाँ से आउट होता है और वापस इस IC को दिया जाता है। तो ये चीज़ जल्दी हो जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आपके पीछे सर लगे रहते हैं कि तुमको अच्छा से सिखाएंगे, तो सिखा कर ही भेजते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि किसी को प्रेशर है अभी भी काम करने में, मेरे हिसाब से सबको आगे आए करने में, हो या पहले से काम कर रहा है, सबको एक जैसा, सबको एक बराबर, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा किसी का ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबको एक समान दिया जाता है, सबको अच्छा ट्रेन किया जाता है। अच्छा ये बताइए, आप पहले दिन आए थे, अगर उसी दिन आपको डबल डेकर बनाने देते तो कैसा रहता? पॉसिबल नहीं, पहले दिन आए थे ब्लैक पेस्ट ही दे देते आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले दिन डेड मोबाइल बनाना चाहते, तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, जब तक नॉलेज पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लेके गए, डायग्राम भी पढ़ाए, सेक्शन भी पढ़ाए, हैंड स्किल बनाए, उसके बाद में डेड मोबाइल आसान लग रहा कि नहीं लग रहा? अभी तो बिल्कुल आसान है, पहले तो हर चीज के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बंदे यही बोल रहे हैं डायग्राम वगैरह कुछ होता नहीं, भाई डायरेक्ट आओ काउंटर पे बैठो हम सिखा देंगे, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक बड़ा सा छोटा सा बिल्डिंग भी बनता है 2 फ्लोर का, तो पहले उसका क्या करते हैं? डायग्राम बनाते, नक्शा बनाते हैं, लिफ्ट कहाँ होगी, सीढ़ियाँ कहाँ हो गए, तो ऐसा बोलने वाले क्या प्रोफेशनल हो सकते हैं क्या भाई? नहीं। तो आप भी जब जाके, चलो आपको भी पूछ रहा हूँ मैं, जाके आप डायग्राम यूज करेंगे कि बाहर डायग्राम के काम करेंगे? डायग्राम चाहिए। क्यों, क्यों रीजन क्या है डायग्राम लेने का बताओ? इसके बगैर पता ही नहीं, कंपनी वाला हजारों मोबाइल बना रहा है, कहाँ पे कितने वैल्यू का रजिस्टर लगाया है, क्या कंपोनेंट लगाया है, क्या आपने को मालूम होगा क्या? मार्केट में तो मोबाइल इतने घूम के आते, कंपोनेंट मिसिंग रहते, लाइनें मिसिंग रहती, ट्रैकें मिसिंग रहती, आईसीयां बदल देते हैं लोग, कॉलकॉम के अंदर मीडियाटेक का चार्जिंग ऐसी गुजार देते हैं, बीजे 254 होता है 221 डाल देते हैं उसमें, कस्टमर को थोड़ी ना मालूम होता, कुछ भी लगा के दे देते। अच्छा आप लोग ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। नहीं। बाकी कोई आना चाह रहे भूटान से, क्या बोलना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल से हो, भूटान बॉर्डर से ही हो, अगर कोई भी आना चाहे वो आ सकते हैं, क्योंकि इधर उधर जाने से आपका पैसा वेस्ट है। बोलो, बंगाली तो नहीं आता, नहीं आता, ठीक है, ऐसे ही बोलता हूँ। बाकी तो सोच के आए थे, मिला आपको? जी बिल्कुल, कुछ बाकी तो नहीं रहा ऐसा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सेटिस्फाई है आप? बिल्कुल 100% सेटिस्फाई है। पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? पैसा का बड़ा बात नहीं है सर, मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी अगर पैसा को सोचता है तो वो कभी भी आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएगा, मेन है हमारे लिए नॉलेज, अगर हमें नॉलेज मिलती है तो पैसा कोई बड़ा बात नहीं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है। जाके आप काम करिए और काम करेंगे जो लेवल का आप सीखे, इस लेवल पे शायद ही मैं समझता हूँ आप 2 महीने काम करेंगे, आपके लेवल का तो टेक्नीशियन नहीं रहता मार्केट में। अगर जो चीज़ आप थ्योरी और हैंड स्किल के साथ 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी एक चीज़ छोड़ना नहीं है अपने को, मैं पहले दिन से बताता हूँ, गाड़ी के क्या है दोनों टायर है, कोई भी एक मतलब हवा उतरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाती है, दोनों को लेके करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है, इनके लिए जोरदार क्लास भाई, थैंक यू वेरी मच नौशाद। अनदर वीडियो और फोन फिक्स हैदराबाद टीम। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हर बार हम कुछ ना कुछ एक नया लेकर आते हैं, तो आज लेकर आया हूं मैं फ्रेंड्स ऐसे ही D8 जो कि लाइट सेक्शन है, ये एक D8 जो होती है लाइट IC होती है जो कि 12 बॉल की होती है, तो इसमें क्या क्या सप्लाई कैसे आती है, क्या है, कैसे वर्क करता है, शायद हो सकता है आप लोगों ने बहुत बार इसको चेंज भी किया होगा लेकिन फिर भी आपकी लाइट का प्रॉब्लम वैसे ही रह गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको चेक करना है, क्या है सारी चीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं D8 जो कि 12 बॉल की IC है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहेगी, घंटी का बटन दबा ले ताकि घंटी की साउंड के साथ हम रोज आपसे मिलते रहे, रोज आपकी याद हमको आती रहे और रोज हमारी बातचीत होती रहे और आप हमसे कुछ ना कुछ सीखते रहें। उम्मीद है फ्रेंड्स हमारे वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले समय में आपको किन टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, हम कोशिश करेंगे उस पर अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की। दोस्तों एक अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल लेवल में अगर आपको सीखना है, यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखना नहीं है, किसी से सोल्यूशन लेना है नहीं, किसी को व्हाट्सअप पे फेसबुक पे किसी से भी पूछना नहीं है अगर आपको, तो एक बार अपडेट हो जाइए फ्रेंड्स फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ। बाकी इंडिया में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी है कहीं भी आप जा सकते हैं और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बच्चे किस लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट घूमने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं ताकि फ्रेंड्स प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण इंस्टीट्यूट वाले जितनी नॉलेज है उतना ही वो बताएंगे फ्रेंड्स। और आप YouTube पे भी देख रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आपने देखने मिलेंगे, Android के साथ iPhone फ्री, iPhone के साथ Android फ्री, 20,000 में फीस, 2,000 में फीस, 4,000 में भी करा रहे हैं, कोई 10,000 में भी करा रहे हैं, पता नहीं फ्रेंड्स वीडियो डालने वाले डाल भी देते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता है, गेस करने नहीं आता है कि जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, हर गली गली में इंस्टीट्यूट हो चुका है, दुकानें कम और इंस्टीट्यूट ज़्यादा हो चुके हैं, और हर कोई अपने आप को बेस्ट बोल रहा है, अपने आप को नंबर वन बोल रहा है, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं। पता नहीं फ्रेंड्स, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप किंग ऑफ द मार्केट है, जो आप दुकान में काम कर रहे हैं आपको ही पता है कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हर कोई दही वाला अपना ही दही मीठा बोलता है। तो फ्रेंड्स, बाकी हमारे जो नॉलेज है, हमारे जो हम कर सकते हैं, हम YouTube पे करके बता रहे हैं कि हमारे पास किस लेवल का काम करते हैं, चाहे हैंड स्किल की बात हो, चाहे सर्किट की बात हो, बाकी आप गेस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। दोस्तों, एक होता है काम करना और दूसरा होता है बच्चों से काम करवाना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने आप की, हमारे इंस्टीट्यूट की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग ही गेस कर सकते हैं, आप समझदार हैं, उनके टीचर ही बैठ बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसकी जितनी नॉलेज है वैसा कर रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट वाले हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, सब बेस्ट है, सब अपने अपने लेवल पे अच्छे से सिखा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, यही कारण होता है कि अपने आप को अपडेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपडेट करना है तो आप आना चाहे तो आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कहीं भी आप जाइए। बाकी हमारा नंबर डिस्प्ले पे दिया गया है, एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं 12 बॉल की D8 IC है, जिसके अंदर 12 पिन होते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। ये रेडमी 7A का मैंने डायग्राम खोला है, इसके अलावा काफी सारे मॉडल्स में आपको ये IC देखने को मिल जाएगी। जहां भी आईसी देखने मिलेगी आपको, आईसी के पास में एक बड़ा सा बूस्ट कॉइल मिलेगा, एक डायोड सीरीज में मिलेगा और एक लोड कैप यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 35 से 50 वोल्ट की कैपेसिटी उस कैपेसिटर की होती है, तो वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका डायग्राम हमने खोला है, यहां पे आप देख सकते हैं 12 पिन की, 12 बॉल की आईसी होती है, जिसमें अगर आप काउंट करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं ए के 3 बॉल मिलेंगे आपको, बी के 3 बॉल मिलेंगे, जैसा कि A1, A2, A3, ऐसे ही आपको B1, B2, B3 मिलेगी, ऐसे ही C1, C2, C3 मिलेगा, ऐसे ही D1, D2 और D3 मिलेगा, मतलब 12 बॉल की ऐसी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वालकॉम बेस्ड CPU है, तो यहाँ पे VPH वोल्टेज इन होता है, अगर MediaTek होता तो VSWire यहाँ से इन होता, बीच में आपको एक 0 ओम्स का एक रजिस्टर सीरीज में मिलेगा, यहाँ पे दो पैरेलल में कैपेसिटर मिलेंगे आपको, एक 2.2 माइक्रोफराड का है और एक 1 माइक्रोफराड का एक यहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा पैरेलल में, इस लाइन को फिल्टर करने के लिए। इसके बाद यही वोल्टेज फ्रेंड आपका B3 और D3 में चले जाता है, और बीच में देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा बूस्ट कॉइल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल होता है, क्योंकि कॉइल की जो वैल्यू होती है वह हेनरी में नापी जाती है। जहां पे भी इस तरह की स्विचिंग लाइन देखने मिलेगी या LX लाइन देखने मिलेगी, वहां पे आपको 100% कॉइल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो सर्किट बक सर्किट हो, चाहे बूस्ट सर्किट हो, वहां पे आपको इस तरह का एक बड़ा सा बूस्ट कॉइल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यही वो लाइन है हमारी जो सीरीज का एक डायोड मिलेगा, और ये लाइन आगे बढ़ जाएगी, और यहां पे आपको 50 वोल्ट और 35 वोल्ट के दो कैपेसिटर मिलेंगे पैरेलल में, एक 1 माइक्रोफेराड का है, एक 18 पिकोफेराड का यहां पे आपको कैपेसिटर, और यही वो लाइन है फ्रेंड्स, जिसको LCD बैकलाइट LED लाइट एमिटिंग डायोड एनोड की सप्लाई बोलते हैं, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को जाती है। तो बेसिकली आप एनोड और कैथोड के पिन जो होते हैं, कैथोड इसमें दो दिए गए हैं, इसके अलावा एक और लाइन होती है जो कि हमारी PWM पल्स विथ मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं, या फिर कंटेंट एडाप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल, ये भी लाइन हमारी जो होती है, ये लाइन हमारी कनेक्टर तक जाकर कनेक्ट होती है डिस्प्ले कनेक्टर पे। जब कनेक्टर आपका लग जाता है तो यहां से इसमें GR भी आते हैं, सिग्नल भी आता है, IC को पता चल जाता है कि यहां पे कनेक्टर डिस्प्ले का लग चुका है, लाइट का कनेक्टर लग चुका है, और यहां पे ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए ये लाइन को यहां पे यूज किया जाता है। जैसे आप बाहर निकलेंगे, धूप में निकलेंगे, तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट हो जाती है आपकी, जैसे कि आप जानते हैं। इसके अलावा इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए दो लाइनें आती हैं, यहां से I2C LCD I2C SGS सीरियल डाटा, दूसरी आती है LCD I2C इंटर इंडिकेटेड सर्किट कहते हैं हम इसे, सीरियल क्लॉक की एक लाइन, दोनों लाइन यहां पे CPU से यहां पे डायरेक्टली आती हैं। इसके अलावा एक लाइन WLED इनेबल लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं कि A3 नंबर पे। तो यहां पे फ्रेंड्स, आपको ये जो लाइन होती है सीधा से सीधा पावर AC के साथ कनेक्ट होती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां पे देख सकते हैं PEM इसमें 439 PEM इसमें लग के है, तो पावर AC की 117 नंबर GPIO सेक्शन में जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट जो लाइन होती है, ये वेकअप पिन्स होती है। तो यहां पे
ये सारी इसमें जा रही है। ये भी इस आईसी को, इस आईसी के अंदर का हार्डवेयर को इनेबल करने के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है, जहां पे अगर आप चेक करेंगे तो 1.8 का वोल्टेज आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यूएम में 1 वोल्ट से 1.8 का वोल्टेज मिलेगा आपको, I2C में भी 1.8 के दो वोल्टेजेस मिल जाएंगे। अगर B3E3 में देखेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट मिल जाएंगे। इसी चीज को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन में बताना चाहूंगा, तो चलिए यहाँ पे हम एनिमेशन में देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एक सीपीयू मैंने यहाँ पे ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पावर आईसी मैंने ले ली है और एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर मैंने ले लिया है, क्योंकि तीन आईसी जरूरी है, तीनों के साथ कनेक्शन होता है लाइट आईसी का। इसके अलावा चौथी जो आईसी हम लेते हैं यहाँ पे 12 बॉल ले लेते हैं, जो कि हमारी D8 लाइट आईसी होती है। चलिए यहाँ पे ये जो सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स इस तरह का क्लास में मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे काम करना है। देखिए एक वो ए के तीन बॉल मिलेंगे, ए1 ए2 ए3, बी1 बी2 बी3, सी1 सी2 सी3, डी1 डी2 डी3। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले डीसी टू डीसी से वीएस वाईएस या फिर आप वीपीएच बोल सकते हैं, वीपीएच वोल्टेज आपका बी3 में इन होता है और एक बूस्ट कॉइल के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आपको समझाने की कोशिश की है, एक बूस्ट कॉइल के थ्रू वापस से D3 में ये वोल्टेज चले जाता है। और D3 जो लाइन होती है हमारी, ये स्विचिंग पिन होती है हमारी, जो कि हमारी SW लाइन होती है, LX आपको देखने मिलेगा, और इसी लाइन से आपको सीरीज में एक डायोड मिल जाएगा और आगे जाकर के एक लोड कैप आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। और यही लाइन आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, जिसको हम एनोड की सप्लाई भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी लाइन में से वापस D2 में एक OVP बोल के लाइन वापस आएगी, ताकि बूस्ट वोल्टेज बन चुका कि नहीं बन चुका है डायोड के कैथोड सिरे से आपको वापस ये लाइन को D2 में दिया जाता है, जिसको हम OVP सर्किट बोलते हैं, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसको बोलने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज अगर आपका बन जाता है तो यहीं से वोल्टेज निकल करके D2 में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विचिंग पिन SW यानी स्विचिंग लाइन होती है हमारी, ये देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे हमने बनाया है। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में, दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं एक एक वीडियो को बनाने में कभी कभार, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक हम बहुत मेहनत करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, एक एक टेक्नीशियन भाई के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि फ्रेंड्स वो भाई भी हमारा कुछ काम सीख सके। अगर आपको अच्छे से सीखना है, प्रॉपर सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, इंडिया का बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट लैब है और पूरे के पूरे ब्रांडेड हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स है, ब्रांडेड पूरे इक्विपमेंट्स मिलेंगे और पूरे जो जितने भी ट्रेनर्स हैं हमारे सालों से काम कर रहे हैं, 8-10 साल से, ऐसे आपको यहाँ पे मास्टर मिलेंगे, तो हमारे सालों का तजुर्बा आपको देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये तीन पिन इसमें ग्राउंड होते हैं, D1 C2 और C3, और A2 जो होती है हमारी I2C सप्लाई होती है, जो कि CPU से कनेक्ट होती है। यहाँ पे आपको 1.8 का वोल्टेज देखने को मिल जाएगा सीरियल डाटा। इसके अलावा B2 जो है हमारा सीरियल क्लॉक की सप्लाई जरूरी है, अदरवाइज डाटा काम नहीं करेगा। इसके अलावा पी ये जो लाइन होती है हार्डवेयर इनेबल, जो कि हमारी पावर आईसी से आता है 1.8 का वोल्टेज। और इसके अलावा कैथोड इसमें दो यूज किए गए हैं, किसी किसी में तीन कैथोड भी यूज करते हैं, जहां पे पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स वहां पे नेगेटिव भी होना बहुत जरूरी है। तो कैथोड की पिन यहाँ पे दो बॉल्स B1 और C1, K1 और K2 कैथोड के दो पिन इसमें यूज किए गए हैं, और ये देख सकते हैं दोनों के दोनों डिस्प्ले कनेक्टर से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जब हम डिस्प्ले इसमें लगा लेते हैं, तो यहाँ से PWM का सिग्नल यहाँ से आउट होता है और वापस इस IC को दिया जाता है 1.8 का रिटर्न सिग्नल, जिससे पल्स विज मॉड्यूलेशन यहाँ पे आप अगर चेक करोगे DSO से, तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे। इससे ये पता चल जाता है फ्रेंड्स कि डिस्प्ले हमारा लग चुका है। दूसरा ये ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए भी ये IC को इस पिन को यूज किया जाता है, जैसे आप धूप में बाहर सूरज के नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस आपका बढ़ जाता है। तो ये हमारी हो गई फ्रेंड्स एनोड की लाइन, ये हमारा VPH इन हो रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्डवेयर इनेबल लाइन है। इसके अलावा ये पल्स विद मॉड्यूल से कहते हैं, और ये जो लाइन है हमारी OVP लाइन है, जो कि यहाँ से जैसे ही बूस्ट वोल्टेज बन जाता है तो यहीं से निकल करके OVP में इस IC को रिटर्न में ये कन्फर्म करना होता है कि बूस्ट वोल्टेज बना है कि नहीं बना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, दूसरे टेक्नीशियन भाइयों के साथ वीडियो भेजें और इस लिंक को भेजें, और फोनफिक्स हैदराबाद को जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें अगर आपको अच्छे से सीखना है, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, हैदराबाद आए तो कभी भी जरूर मिलकर जाइए फोनफिक्स हैदराबाद आकर के। कोई भी यहाँ पे आ सकता है, चाहे आपका दुकान है, चाहे आपका ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे आपका इंस्टीट्यूट है, हमारे पास से काफी सारे बच्चे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जाकर के काम सीख करके, क्योंकि फ्रेंड्स एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक जगह से आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते फ्रेंड्स, आपको एक
प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए लगातार मेहनत करनी होती है, लगातार प्रयास करना होता है। टीचर तो आपको सिखा देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन स्टूडेंट के अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को दुनिया के सामने काम करके दिखा सके। और ये होता है फ्रेंड्स के बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं फ्रेंड्स, आपको अगर कामयाब अगर आप हो रहे हैं तो आपको नीचे दिखाने के लिए वो लोग जो है साजिशें करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि खुद को इतना बुलंद करो कि आगे वाला आपको गिराने की कोशिश नहीं बल्कि आपको गिराने की वो साजिश करें। तो फ्रेंड्स यही है कि जब आप अच्छा काम करते हो, मार्केट में अपना नाम बना लेते हो, लोग आपको चाहने लगते हैं, जब कस्टमर आपके पास आने लगता है तो लोग आपको घिराने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वो आपके जैसा काम तो नहीं कर सकते बट आपके लिए वो साजिश जरूर कर सकते हैं। जैसे शेर में बताया गया है कि खुद को इतना बुलंद करो, इतनी मेहनत करो, इतना कामयाब करो कि लोग आप तक पहुंच तो नहीं सकते, लोग आपको नीचे घिरा तो नहीं सकते बट आपके जैसा बनने की वो कोशिश तो नहीं कर सकते बट आपको नीचे गिराने की वो साजिश जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे। थैंक यू वेरी मच मेरे टेक्नीशियन भाइयों, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन मिस्टर अक्षय, 2000 क्लब अक्षय के लिए। मराठी जय महाराष्ट्र बोलेगा अभी। अक्षय बताओ मराठी में किसमें बोलना चाह रहे, दो अल्फाज बताओ। कैसा रहा सफर आपका? सर मी पहिल्यांदाच आलो इकडे, म्हणजे मी ट्रेनचा प्रवास पहिल्यांदाच केला एवढा मोठा, तर मला काही माहिती नव्हती ट्रेनबद्दल आणि ट्रेनचा प्रवास तर खूप छान झाला, पण इथं आल्यावर मला समजलं की इन्स्टिट्यूटमध्ये एवढं सगळं काय असतं म्हणून। आणि पहिल्यांदाच मी मायक्रोस्कोप यूज केला आणि सगळं काय पहिल्यांदाच बघितलं मी, याआधी मी कधी काय असं म्हणजे बघितलं नव्हतं। आणि इथं आल्यावर मला खूप टेक्निशियन भेटलं आहे मला, जो सोर्स काय आहे मिळा, हां त्याच्यावरून खूप जास्त भेटलं आहे मला। कसा रहा ट्रेनिंग, कसा दे रहे यहां पे? ट्रेनिंग तर खूप चांगली आहे आणि मी तर सांगेल सगळ्यांना की तुम्ही अजून वेळ करू नका, तुम्ही फोन फिक्स हैदराबादमध्ये तुम्ही जॉईन करा, एवढं सांगू शकतो। महाराष्ट्र में रहते आप, बहुत सारे नॉर्थ में भी इंस्टिट्यूट आहे, वहां नहीं जाके यहां क्यों है? सर मी फेसबुकला मी तुमचं चॅनल सबस्क्राइब केलं होतं आणि मी त्याच्यावर व्हिडिओ बघितले होते, तर ते काही लोक 10-10 वर्षांनी काम केलं होतं, त्यांना पण आय सी वगैरे बसवता येत नव्हती, तर ते सगळे 20 दिवसामध्ये कंप्लीट ड्युअल डेकर पण बनून गेले। त्यासाठी मी इथे पहिल्यांदा चौकशी केली की इथे खरंच असं रिअल आहे का, तर मला 2-3 ठिकाणून अपडेट मिळाले की खरंच तिथे जा, तुझा पैसा वसूल होऊन जाईल, म्हणून मी इथे पहिलं सरांना, सागर सरांना कॉल केला, मी तुम्हाला पण कॉल केला होता आणि तुम्ही पण मला अपडेट केलं चांगलं आणि म्हणून मी इथे जॉईन झालो। अभी सॅटिस्फाई आहे आप? खूप खूप। काम कर सकते जाके? एकदम बरोबर। एक बार जोरदार क्लास, थँक्यू।